पिपली थाना क्षेत्र के दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर दुधानी गांव के पास यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कई महिला समेत 35 लोग घायल हो गए, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुमका मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। स्थानीय विधायक सह कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने स्थानीय प्रशासन और समाजसेवी की मदद से जरमुंडी CHC लाए, जहां सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु नालंदा जिले के अस्थमा गांव के थे, जो बासुकीनाथ में जल अर्पण कर घर लौट रहे थे। बक्सर के नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो मौके पर ही पलट गई और उसमें सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लग्जरी कार ने स्कॉर्पियो में टक्कर मारी, वो बेहद तेज रफ्तार में थी। घटना के बाद गाड़ी में बैठे चालक और एक अन्य युवक कार से निकलकर भाग गए। बाद में मौके पर पहुंचे स्कॉर्पियो सवार लोगों को निकाला गया, इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त किया है। अस्पताल में घायलों के परिजनों ने बताया कि सभी लोग विंध्याचल से लौट रहे थे, स्टेशन से लिट्टी खरीदने के बाद घर वापस लौट रहे थे। गया के बोधगया थाना क्षेत्र के राजपुर उपाध्याय बिघा में बीती रात्रि में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस शराब की बरामदगी के लिए छापेमारी करने गई थी। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और लोगों ने पुलिस की कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की ओर से FIR दर्ज कराने के बाद मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के लोहानीपुर में असामाजिक तत्वों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। 4-5 की संख्या में असामाजिक तत्व साइबर कैफे में घुस गए और दुकानदार के कर्मचारियों को अगवा कर उनकी जमकर पिटाई की। इसके साथ ही दुकान में तोड़फोड़ की। दुकान के कर्मचारी ने बताया कि पुलिस को घटना की सारी जानकारी दे दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर जांच पहुंची है। वहीं अपराधियों ने विधानसभा के पास एक कारोबारी से 1,90,000 लूट लिए, तो कंकड़बाग में चाय दुकानदार को गोली मार दी। पटना में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पीड़ित थाने का चक्कर लगाकर थक चुका है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करना तो दूर, थाने में शिकायत भी नहीं लिखती। इस कदमकुआं थाने में बिहार के सबसे बड़ी आभूषण डकैती कांड के अलावे होटल कारोबारी के घर भी पिछले दिनों डकैती की बड़ी वारदात हुई थी, लेकिन कदमकुआं थाने की पुलिस अपने हिसाब से काम करना चाहती है और ऐसे में पीड़ित लोग जाएं तो कहां जाएं, समझ में पड़े हैं। सोमवार को BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विशेष राज्य के मुद्दे पर एक पोस्ट लिखा था, जिस पर सियासी बवाल जारी है। उन्होंने सरकार की कमियां गिनाई थी और कई सारी नसीहत भी दी थी, जिसके बाद JDU उन पर हमलावर हो गई है। अब JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से विशेष राज्य के मुद्दे पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने PMO और PM नरेंद्र मोदी को टैग किया है, जिसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय और भौगोलिक स्थितियों के कारण प्रति वर्ष बिहार में बाढ़, सुखाड़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, वज्रपात, लू और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझता है। नुकसान हजारों करोड़ में होता है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इससे मदद मिलेगी। वहीं JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर से संजय जायसवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कई कारखाने जो बिहार में लगे हैं वो बंद हो गए हैं, वे केंद्र से बात करके इसको फिर से चालू करवाएं, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। मुंगेर में नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने वाले गिरोह के सरगना को एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया। खड़गपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। कई विद्यालय के शिक्षकों से नक्सलियों के नाम पर लेवी की वसूली करने वाले कुख्यात अपराधी रंजन विंद को 1 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके पास से नक्सली पर्चे भी बरामद किए गए। उसकी निशानदेही पर एक अन्य अपराधी को खड़गपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने वर्ष 2020 में बुंडू थाना क्षेत्र में हुए चरण लोहा हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रीतम लोहरा की पत्नी का संबंध मृतक चरण लोहरा के साथ था, जिसकी भनक पति को लग गई और उसके अपने जेठ के साला मंगल लोहरा के साथ मिलकर पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या में शामिल मंगल लोहरा अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। भागलपुर में लूट और हत्या आम हो गई है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं।
ताजा मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर की है, जहां एक युवक ने मणिकपुर के बुजुर्ग के हाथ से 3,70,000 रुपए भरा थैला छीनकर फरार हो गया। घटना के बाद सिटी डीएसपी बबरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। वहीं शक के आधार पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। पीड़ित के मुताबिक उसे किडनी की बीमारी है, उनका भल्लौर में इलाज जारी है। पीड़ित ने जमीन बेचकर 4,11,000 रुपए इकट्ठा किए थे, जिसमें से 3,70,000 रुपए बैंक में जमा करने जा रहा था। बैंक वालों ने उन्हें अगले दिन आने की बात कही, उसके बाद बुजुर्ग कमल नगर पास आए, जहां पहले से घात लगाए एक युवक ने उनके हाथ से थैला छीनकर पैदल ही भाग निकला। सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने कहा कि लूट की घटना हुई है, एक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पटना सिटी में फतुहा थाना क्षेत्र के फतुहा बख्तियारपुर पुरानी एनएच सड़क पर मिर्जापुर नोहटा पुल के पास ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि नोहटा निवासी त्रिगुण प्रसाद यादव की 65 वर्षीय पत्नी कुंती देवी अहले सुबह 6 बजे उठकर अपने घर की साफ सफाई कर कूड़ा फेंकने के लिए सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान ट्रक की चपेट में आ गई। इस बीच गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मौके पर पहुंची फतुहा पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार सरकार ने मिनी लॉकडाउन को कुछ पाबंदियों के साथ खत्म कर दिया है। बिहार के सभी संग्रहालय भी आज से आम लोगों के लिए खुल चुके हैं। राजधानी पटना स्थित विश्व स्तरीय बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय भी खुल चुके हैं। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों के परिभ्रमण के लिए संग्रहालय खुले हैं। लोगों की भीड़ न लगे, सभी नियमों का पालन करें, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। भागलपुर पुलिस को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक शराब बरामद किया है। ट्रक में जीपीएस भी लगा हुआ था। सीनियर एसपी बाबूराम ने बताया कि विक्रमशिला टीओपी पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक चालक लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने 7 किलोमीटर तक उसका पीछा किया और फिर भारी मात्रा में शराब लदा हुआ ट्रक जब्त कर लिया है। ट्रक चालक की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है। चालक ने खुद को राजस्थान का रहने वाला बताया है। अररिया के फारबिसगंज में NH-57 पर ढोल बज्जा के समीप सड़क किनारे खड़े कंटेनर से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। फारबिसगंज SDPO राम पुकार सिंह ने बताया कि ट्रक के आधे से अधिक भाग में अरुणाचल प्रदेश निर्मित विदेशी शराब और बियर का कार्टन भरा पड़ा था। गिनती करने पर 326 कार्टन शराब, जिसमें 18 कार्टन बियर बरामद किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों की संख्या कम होने के बाद प्रशासन ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को खोलने का फैसला किया है। पर्यटक अब पहले की तरह पार्कों में घूम सकेंगे, हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा वीकेंड टूर पैकेज की भी बुकिंग शुरू हो गई है। फिलहाल कोरोना गाइडलाइन के तहत इको पार्क सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे और साथ ही साथ जंगल सफारी में पहले एक जीप में 6 लोग सवार थे, अब उसे कम करके 4 लोग कर दिया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व खुलने से पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग, जिनका जीवोपार्जन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होता है, उन्हें काफी खुशी देखी जा रही है। खगड़िया में एक परीक्षार्थी के जज्बे को सलाम किया जा रहा है, जो अस्पताल में नवजात को जन्म देने के बाद महिला बच्चे के साथ परीक्षा सेंटर पहुंच गई। एक जच्चा ने परीक्षा देने के आगे प्रसव के बाद पीड़ा को नजरअंदाज करके सदर अस्पताल से सीधे परीक्षा केंद्र पहुंच गई। नवजात बच्चे की मां इंटर की परीक्षार्थी गुंजन कुमारी के शिक्षा के प्रति ऐसी समर्पण हर जगह तारीफ हो रही है। जहां केंद्राधीक्षक की ओर से जरूरत के अनुकूल दूध चाय बिस्कुट से लेकर अन्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। पटना के बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय में पत्नी को इंटर की परीक्षा दिलवाने आए युवक सदानंद कुमार गंगा नदी में डूब गया, उसका शव नहीं मिल सका है। युवक बख्तियारपुर थाने के नया टोला माधोपुर का निवासी था। मिली जानकारी के अनुसार सदानंद अपनी पत्नी को लेकर बख्तियारपुर से बाढ़ में सोमवार को इंटर की परीक्षा दिलवाने के लिए आया था। पत्नी परीक्षा केंद्र में चली गई, जिसके बाद सदानंद स्थानीय सलीमपुर गांव स्थित अपने ननिहाल पहुंचा। इस दौरान सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन को लेकर तैयारियां चल रही थी, इसी में सदानंद शामिल हो गया।
मूर्ति विसर्जन के दौरान वो गंगा नदी में नहाने के दौरान सीढ़ी से छलांग लगाई, जिसके बाद वो गंगा नदी में समा गया। परिजन और स्थानीय गोताखोर सदानंद की तलाश कर रहे हैं।